हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो भैया क्या हाल है, काफ़ी अरसे के बाद वापसी आए हैं, क्योंकि बैक किया है यूट्यूब पे। इसके पीछे थोड़ी लंबी कहानी है, उसको शॉर्ट करके बताएंगे कि रीज़न क्या था इतना टाइम अपलोड नहीं किया। यस, रीज़न तो दो तीन थे। यूनिवर्सिटी थी सबसे पहले, तो उसके बाद फैमिली था, बाहर का था, ओवरऑल सब मिला दें हम। अब सबसे ज़्यादा था यूनिवर्सिटी का, क्योंकि अभी न्यू एडमिशन हुई है, टीचर कैसे हों, पढ़ाई कैसे होगी हमारी, तो उस हिसाब से भी था हमारा। तो यार, एक बार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद हमने सोचा एडमिशन तो हो गई है, गांव से चक्कर लगा के आते हैं अपने उमरकोट शहर से, क्योंकि उसके बाद हमें पता है जाना नहीं होगा हमारा, ठीक है, उमरकोट पूरा सेमेस्टर, क्योंकि इतनी छुट्टी मिलती नहीं जो हम कर सकें। तो उसकी वजह से हम गए उमरकोट। उमरकोट में जो मतलब फटे हुए बोले या मसले हुए, वो तो भाई टाइट थे। तो यार फटे और ये थे, ये कुछ इस तरह थे। कल तुझे बोला था, लिटरली बोला था तुझे। सीन ये हुआ कि हमारे साथ के मैंने 50 रुपए का बोला, मैंने 60 रुपए 50 रुपए तक तुझे दे दूंगा। मेरा सीधा मेरा 50-60 रुपए दे तू। बहुत ही हाइट चल रहे हैं अभी। ये एक मेरा बंदा गया है वहाँ पर उससे बात करने के, भाई किसके पास पैसे? इन दोनों के पास पैसे नहीं है, ना ही मेरे पास है। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। पता ही नहीं क्या देखा तुम लोगों ने। ये वैसे ये बंदा 200 रुपए सुबह खर्च हुए, हाँ ठीक है, कल रात तुम लोगों ने 70 मेरे पर खर्च किए। बात मेरे पे खर्च। चाची हुए धीरज, चाची भी जा रहे, देख निकल रहे, देख चाचू जा रहे पीछे से। बहन के लड़ा मैं किसी से नहीं मांग रहा भाई, बात सीधी माँ की यार। वो चाचू खुद बहन का भाई गुस्सा हो जाएगा यार, रोज रोज कहाँ से तुम पैसे में। मांग क्या धीरज से, जाओ जा रहा धीरज ठीक भाई, बाहर में जाए फिर बैठे हैं सारी रात बैठे हैं। ये अब करियन फुट तो टेंशन ना। ओके है इधर बस ब्रो, जतिन को गैरत आने वाली है देखना अभी 2 सेकंड में। 5000 रुपए बेगरता हो गया अब तो, बिल्कुल बेगरता हो गया गैरत के नाम पे। धीरे जतिन देखा है तो चेहरे देखे लायक आज यार। मसले होते थर में गए, पैसों का मसला हुआ, पेट्रोल का मसला हुआ। भाई ये थे सीन, बड़े गंदा वाला सीन हुआ था हमारे साथ। जब भी पैसों का मसला ना हो ना हमारे साथ, ये सीन बने ही ना। तो ये था ओवरऑल द सीन हमारा। नहीं नहीं जा रहा अपने घर। ये मसला होता क्या है? कल बैठा भेड़िया की लगती है बट्टी से छप गई थी। देखो ये मसला छप गई। तो यार हमारा सीन यूँ होता था कि भाई हमें डेली रात को 10 या 11 बजे 10 बजे 10:30 बजे घर से जाना है, रात के टाइम 10:30 बजे जाना है, 12 से 12:30 बजे घर आना है। ये रूटीन होता था। मैं जो गांव गया था उमरकोट में, वहाँ पे हमने एक मंथ निकाला अच्छे वाला, क्योंकि हमें पता ही नहीं यूनिवर्सिटी है, सबने बोला मज़े हैं शशके हैं, तो हमने भी एक मंथ शशके किए। एक मंथ बाद पता चला भाई तुम्हारे 5-10 दिन बाद एग्जाम है, मिड टर्म है। हमने सोचा ये क्या हुआ, ये क्या भाई सीन टाइट हो गया। तो उसके बाद हमने तैयारी की कुछ, तैयारी करने के बाद एग्जाम्स अच्छे गए, मतलब ना अच्छे ना बुरे, मतलब ऑन द एवरेज गए। तो यार फाइनल भी आ गए, हमने व्लॉगिंग करते करते मतलब व्लॉगिंग नहीं की, पढ़ते पढ़ते फाइनल भी आ गए। और ऊपर से सबसे गंदा सीन हुआ ये फेसबुक और इंस्टाग्राम की वजह से, सारा धन इसी में घुसे भरे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम की वजह से, ना यूट्यूब पे वीडियो, ना अच्छे से स्टडी। सीन यही है यार, टाइम बड़ा जल्दी निकल गया सोचते सोचते लेजीनेस की वजह से। लेजीनेस बड़ी गंदी चीज़ है। हमने बोला आज बनाएंगे, सुबह बनाएंगे, आज बनाएंगे, उसके बाद भाई यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई, यूनिवर्सिटी में सोचा बनाएं, फिर प्रेशर, यूनिवर्सिटी प्रेशर, वहाँ पे भी नहीं बना पाए। और यार यूनिवर्सिटी में जो हमने वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड की थी, 1-2 की होंगी आई थिंक, पड़ी होंगी मोबाइल में, तो वो भी दिखा देंगे आपको भाई, क्योंकि मैं यूट्यूब पे ज़्यादा, इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन रहता था, तो उसकी वजह से
उनमें होंगी वो आपको दिखा देंगे आगे। अब आगे चल के ऊपर वाले ने चाहा तो वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू, लाइक।